गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपके सामने जो पीडीएफ दिख रही है इसमें ये क्लास सेवन्थ के चैप्टर फर्स्ट जो आपको रीड कराया था मैंने, इसके क्वेश्चन आंसर आपके सामने और इसकी एक्सरसाइज है सारी इसमें। तो देखिए जरा इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा। चैप्टर पूरा रीड करा दिया था, अगर आपने चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा है तो आपको जो वीडियो भेजी गई थी वहाँ पर लिंक में जाइए और चैनल पर जाके आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आप टेंथ क्लास में हैं, नाइन्थ में हैं, फर्स्ट ईयर इंटर, जहाँ भी जिस भी क्लास में हैं, कहीं पर भी नहीं जाना, आपको चैनल पर जाइए और वहाँ पर सर के नाम और वीडियो और सब्जेक्ट सब कुछ लिखा है, वहीं से सब कुछ देख सकते हैं आराम से अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन आंसर है हमारा, वेयर वाज द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस की स्टैचू थी कहाँ थी, सिचुएटेड कहाँ थी? तो आंसर इसका, इन अ कंट्री फार अवे देयर स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। यानी कि एक कंट्री, किसी दूर देश में जाकर उसकी जो मूर्ति थी, उसकी प्रतिमा थी, वो वहाँ पर स्थापित थी। तो आप इसको नोट कर लेंगे, नोट करने के लिए वीडियो को रोक सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे भी जैसे आप कर सकते हैं वैसे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, इट वॉज अ कोल्ड नाइट बट स्वेलो फेल्ट वार्म, वाई? सर्दी की रात थी लेकिन स्वेलो को फिर भी गर्मी लग रही थी, क्यों? आंसर है बेटा इसका, स्वेलो फेल्ट वार्म बिकॉज ही हैड टू रन टूवर्ड द हट वेयर अ बॉय वॉज लाइंग फियरसली ऑन हिज बेड एंड देन स्वेलो फ्लू बैक सो ही फेल्ट वार्म ऑल्सो इट इज़ कोल्ड। उसको गर्मी इसलिए लग रही थी क्योंकि वो एक जगह से चलकर दूसरी जगह पर गया था उस गरीब लड़के के पास जो बीमार पड़ा था बेड पर, और वहाँ से फिर वापस आता है। इसलिए हम ध्यान दें कि सर्दियों के दिनों में हम जब एक जगह से दूसरी जगह पर दौड़ लेते हैं थोड़ा, तो हमें गर्मी महसूस होने लगती है, इसीलिए स्वेलो को भी जो गर्मी का आभास हो रहा था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द यंग मैन इन द गैरेट, व्हाई कुड ही नॉट कंप्लीट हिज प्ले। उस यंग मैन के बारे में बताइए जो अपना प्ले नहीं कंप्लीट कर पा रहा था। आंसर है बेटा इसका, यंग मैन इन अ टॉप स्टोरी लीनिंग ओवर अ डेस्क, वो एक डेस्क पर पड़ा था। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर थिएटर बट ही इज़ वेरी कोल्ड एंड हंग्री, ही कांट राइट एनी मोर। वो बहुत भूखा था, प्यासा था, उसे सर्दी लग रही थी, इसलिए वो अपना प्ले नहीं कंप्लीट कर पा रहा था। अगर आप भूखे हैं बेटा और प्यास भी लगी है आपको, शायद मुश्किल ही है कि आप कोई दूसरा काम उसके अलावा कर भी पाएँ। सेम वही उस बच्चे के साथ में हुआ। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज़, वाई वॉज द लिटिल गर्ल वो वॉज सेलिंग मैचेस क्राइम। वो छोटी सी लड़की जो माचिस की डिब्बी बेच रही थी, वो रो क्यों रही थी? द गर्ल वो वॉज सेलिंग मैचेस क्राइंग, रो रही थी बिकॉज हर फादर विल बीट हर, उसके पिता ने उसको पीटा था, इफ़ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी। उसके पिता ने उसको ये कह के पीटा था कि जाओ, अगर कुछ पैसा नहीं लाई तुम वापस तो तुमको और ज़्यादा पीटूंगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे बेटा अच्छे से। तरीका मैंने बता दिया है कि जब भी आप वीडियो देखेंगे, सबसे पहली बात तो लिंक पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने YouTube ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन आंसर या जो भी पढ़ाया जाता है उसको नोट कर सकते हैं। और एक बार नहीं, वीडियो को 50-60 बार, 10 बार, जितने बार भी देखना चाहे उतनी बार देख लें जब तक समझ में ना आए। उसके बाद हमारा है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने ये सारे के सारे लिखे हैं। अ लिटिल बॉय इज लाइंग इल विद अ फीवर एंड आस्किंग फॉर ऑरेंजेस। वो जो लड़का था छोटा सा, वो रो रहा था संतरे खाने के लिए, अपनी माँ से कह रहा था। एंड द सेकेंड, द बर्ड विजिटेड ऑल द पब्लिक प्लेसेस। जो पक्षी था उसने सभी पब्लिक प्लेसेस को घूम लिया था। अ यंग मैन वॉज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द थिएटर। वो जो छोटा लड़का था वो थिएटर के लिए एक अपना प्ले, एक नाटक लिख रहा था, वो नहीं कंप्लीट कर पा रहा था, क्यों? ड्यू टू हिज इलनेस एंड वीकनेस ऑफ हंग्रीनेस। भूख और प्यास के कारण वो बहुत कमज़ोर हो चुका था इसीलिए। फोर्थ नंबर है, द प्रिंस सेड दैट ही हैड ओनली द सेपियर्स इन हिज आई। यानी कि उसकी आँखों के ही रत्न कुछ बचे थे जो वो गरीबों को देना चाहता था। द लिटिल पुअर गर्ल्स ऑल द मैचेस फॉलन डाउन एंड स्पॉइल्ड। उस लड़की की जो मैचेस की तीलियाँ थी वो गिर गई थी और सभी बर्बाद हो गई थी। सिक्स नंबर है, द लिटिल स्वेलो टोल्ड द प्रिंस दैट ही विल नॉट पुल आउट ऑफ हिज आई। उसने कहा कि वो अब तुम्हारी आँख से जो रत्न था, जो सेपियर था, वो नहीं निकालेगा। उसकी आँख से क्यों? क्योंकि उसकी जो मूर्ति थी, प्रतिमा थी, वो सोने की बनी थी और आँख, नाक, कान, ये जैसे हाथ में कंगन, तो वो जो थे वो मणि रत्नों से लदे हुए थे उसके।
सेवन नंबर है द बर्ड्स फ्लू इनटू द डार्क लेन्स एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रंस भूखे बच्चों के सफ़ेद फेस जो देखकर वो फ्लू डार्क उसे मतलब अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी. गॉड सेड दैट हैप्पी प्रिंस कैन लिव इन द सिटी ऑफ हिज एंजल्स फॉरएवर टू. गॉड ने कहा कि वो जब तक चाहे इस देवदूतों की धरती पर देवदूतों के शहर में वो रह सकता है हमेशा के लिए. तो ये बेटा हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स है, आप उनको अच्छे से नोट कर लें. इसके बाद हमारा नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट देखिए क्या है नीचे. चूज़ द करेक्ट आंसर में पहला है द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स. जो हैप्पी प्रिंस की आंखें थी वो आंसुओं से भर गई थी. उसके बाद नेक्स्ट है द प्रिंस लिव्ड इन द पैलेस वेयर सौरो वाज नॉट अलाउड. क्या सौरो यानी कि शहर में दुख का कोई अंत नहीं था. नेक्स्ट आते हैं हम द लिटिल बॉय मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम. उस छोटे बच्चे की माँ के पास कुछ भी देने को नहीं था, फादर या फ्रेंड्स नहीं होगा क्योंकि उसमें फादर और फ्रेंड्स की कोई बात ही नहीं हुई है. देन फोर्थ नंबर है द रूबी ऑन द टेबल बिसाइडेड द वुमेन्स कॉट. बिसाइडेड द वुमेन्स कॉट यानी कि जो रूबी जो मणिरत्न था वो कहाँ रख दिया था, उसके वुमेन्स की कॉट में. देन नेक्स्ट है हमारा द यंग मैन फाउंड द ब्यूटीफुल सैफियर लाइंग ऑन द बेड. ने बेड पर पड़ा हुआ देखा बेटा जो सैफियर था जो मणिरत्न था. देन सिक्स नंबर है हमारा द बर्ड किस्ड हैप्पी प्रिंस एंड फेल डाउन एट हिज फीट. फेल डाउन एट हिज फीट उसके कदमों के नीचे पड़ा था. जो पक्षी था वो उड़ के दिन भर इधर उधर घूमता था, लोगों की मदद करता था और शाम को आकर वो उसके पैरों के पास सो जाता था. इसके बाद हमारा बेटा नेक्स्ट आता है ट्रू फॉल्स. लास्ट हमारा बाकी, इसको भी अच्छे से देख लीजिए. ट्रू फॉल्स इज डिपेंड ऑन द चैप्टर्स. अगर आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया है तो आई थिंक देर इज़ नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द ट्रू फॉल्स. देखिए ट्रू फॉल्स में पहला क्या है हमारा द रेन मेड शैलो ऑल वेट. क्या वर्षा ने उसको गीला कर दिया था? नहीं, इतनी धूप थी इस वजह से उसे पसीने से वो गीला हो गया था पूरा. तो पहला हमारा क्या होगा बेटा, ये हमारा फॉल्स होगा. ओके देन आगे नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा. नेक्स्ट नंबर हैप्पी प्रिंस हिमसेल्फ वेंट टू द पुअर वुमन टू गिव हर रूबी. क्या वो प्रिंस जो था वो खुद जाता था रूबी और जो भी देना होता था नीडी पीपल को? नहीं, कौन जाता था? स्वैलो जाता था, जो पक्षी था वो जाता था. नेक्स्ट है हमारा स्वैलो वाज द प्रिंसेस मैसेंजर्स एंड हेल्प हिम. जो स्वैलो था वो प्रिंस का मैसेंजर था, यस, और वही उसकी हेल्प करता था. ये हमारा ट्रू हो जाएगा बेटा. ओके उसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे क्या है. स्वैलो वांटेड टू गो टू इजिप्ट विद द प्रिंस. स्वैलो प्रिंस के साथ में जाना चाहता था इजिप्ट? नहीं, क्योंकि प्रिंस कहाँ जाएगा उसके वहाँ से, वो तो स्टैचू थी. तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा. देन नेक्स्ट नंबर है द प्रिंस न्यू दैट द स्वैलो मस्ट गो ऑफ टू इजिप्ट. प्रिंस जानता था कि स्वैलो को इजिप्ट चले जाना चाहिए. तो ये हमारा बेटा ट्रू हो जाएगा. ओके नेक्स्ट नंबर है स्वैलो डिड नॉट हेल्प हैप्पी प्रिंस बिकॉज ही हैड टू लेफ्ट ऑफ इजिप्ट. स्वैलो ने हैप्पी प्रिंस की मदद बिल्कुल नहीं की थी. गलत होगा ये हमारा, क्योंकि मदद तो छोड़िए, जब तक वो वहाँ पर उसकी डेथ नहीं हो गई तब तक वो उसी के साथ में रहा था. ओके इसीलिए मैं जब भी कराता हूँ बेटा चैप्टर रीडिंग पहले करा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो. तो ये सारी चीज़ें थी, आप इनको अच्छे से नोट कर ले और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप चैप्टर रीडिंग का वेट करिए. ठीक है, तो ये अच्छे से कर लें. और एक बात, जो भी बच्चे ग्रुप में नहीं ऐड हैं तो आप कोशिश करें उनको ऐड करने की, और सभी बच्चों को इन्फॉर्म भी कर दें कि क्लासेस जैसे चलती थी सेम वैसे ही चल रही हैं, बस अंतर इतना है कि आप घर पे हैं और हम लोग यहाँ स्कूल में हैं. ठीक है, तो इतना सा है बेटा, अच्छे से इसको नोट कर लें और फेयर कॉपी में बढ़िया से नोट्स बनाते रहें. ओके बेटा, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू.